नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा, सत्य हुई भविष्यवाणी, वॉल्केनो के बारे में, कोरोना के बारे में और प्लेन क्रैश के बारे में मैंने बताया था। इसके बाद अब आगे क्या होने वाला है ये भी मैंने आपको बताया था, और उस वीडियो को बनाए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि यहाँ पर और भविष्यवाणी सही हो चुकी है। जी हाँ, एक और भविष्यवाणी सही हुई है और उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। मैंने क्लियरली, बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि प्लेन के हाथ से अभी होना बाकी है, एयरप्लेन के हाथ से अभी हो सकते हैं और वहाँ पर आप सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 24 घंटे भी नहीं हुए इस बात को बोले हुए और यहाँ पर स्पाइस जेट की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग देनी पड़ी तकनीकी खराबी के कारण से। कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल यहाँ पर देखने को मिला, और ये बताता है कि अभी भी हादसे हो सकते हैं, एयरप्लेन के दिक्कतें बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं और फ्लाइट में ट्रैवल करने वालों को थोड़ा सा मुसीबतों का सामना अभी करना पड़ सकता है। और ये समय चल रहा है, ये समय अभी रुका नहीं है, ये समय चल रहा है, तो इसीलिए आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से ज़रूर करूँगा कि ट्रैवल करने में डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो का मकसद आप सभी को डराना नहीं है, इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय गणनाओं को, ज्योतिष की कैलकुलेशन को आप सभी के सामने रखना है। और मेरी वीडियो को आप नेगेटिव मत लीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर मैंने कैलकुलेशन में देखा है कि देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द फ्लाइट, तो मेरा फर्ज बनता है यहाँ पर आप सभी को बताना कि फ़्लाइट्स में दिक्कतें, परेशानियाँ आ सकती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ का आप सभी भी विशेष ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द डे वन आज तक मेरी वीडियो के मकसद आपको डराना कभी नहीं बना है और ना ही कभी बनेगा। हमेशा ज्योतिष की सही गणना आपके सामने रखना पसंद करूँगा और वही रखता रहूँगा। इसी के साथ साथ एक और घटना यहाँ पर हमें देखने को मिली, एक और बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर बच गया। कहीं ना कहीं दिल्ली के कोर्ट में कहीं पर एक बॉम्ब पड़ा हुआ मिला और उसके कारण से भी काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई, पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी। तो वो भी हमारी भविष्यवाणी यहाँ पर सही हुई, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पर अभी आतंकवादी हमले हो सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं और या फिर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर मिलिट्री का, सेना का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए एकदम से, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर तीसरी बड़ी घटना जो मेरे सामने आज सुबह ही आई थी, और वो थी हार्ट अटैक के केसेस के लिए। जी हाँ, हार्ट अटैक के केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। कल एक न्यूज़ मेरे पास आई थी कि बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से पहले पहले उसने बस को सेफ ड्राइव पे, सेफ जगह पे रोक दिया था और सारे पैसेंजर्स को बचाया। और आज सुबह एक गाज़ियाबाद की मेरे पास रिपोर्ट आई है, उसमें भी यही मेंशन है कि गाज़ियाबाद में पिछले 20 दिनों में 1000 मरीज हार्ट अटैक के केसेस के हैं। और ये दिखाता है कि ये समय कितना ख़राब चल रहा है, जहां पर ओमिक्रॉन या कोरोना नहीं, हार्ट अटैक एक बड़ा विषय यहां पर बनता जा रहा है और हार्ट अटैक के कारण से हर किसी को कहीं ना कहीं दिक्कत, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात आप सभी को समझनी होगी कि ये समय पैनिक होने का नहीं है, अपने टेंशंस को कम करने का समय है, सो दैट कि हम इन चीज़ों से बच सकें, हम इन परेशानियों से बच सकें और हम अपने आप को रिलैक्स रखने में अपने आप की मदद कर सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो समय चल रहा है, ये जो समय अब आगे चलने वाला है, ये अभी भी ऐसा ही रहेगा। देखिए, समय में अभी बदलाव नहीं है। इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड मिड ऑफ जनवरी जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। इस समय में और भी बहुत सारे बदलाव आते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली अभी, बट आप सभी को कहूँगा कि पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अब आगे क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अभी तो मंगल ने चलना शुरू किया है, अभी मंगल और केतु का क्लोज कंजक्शन बनेगा। जी हाँ, क्लोज कंजक्शन जब ये बनेगा तब एक भीषण घटना हो सकती है, तब एक भीषण आग लग सकती है, एक बहुत प्रबल अंगारक योग बन सकता है, दो गाड़ियों के बीच में बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटी जा सकती है, इसके भी पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। एक समय था जब यहाँ पर एक बार बहुत पहले भी ये योग बना था, तब कुछ बड़ा विस्फोट हुआ था और बड़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी, मतलब कि ऐसी कोई घटना जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो भी हादसे हो रहे हैं वो सिंगल पर्सन के साथ ना होके मल्टीपल ग्रुप में यहाँ पर होते जा रहे हैं, तो इसीलिए अभी का जो समय है वो ग्रुप को टारगेट ज़्यादा कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी ग्रुप इन्वॉल्व होगा वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, वहाँ पर परेशानियाँ ज़्यादा रहेगी, चाहे वो शादियाँ हो गई, चाहे कोई फंक्शन हो गया, चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो वहाँ पर सभी को संभल कर रहना है।
आग के मामले बढ़ सकते हैं। आग से तो बहुत ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है। अंगारक योग प्रबल बन रहा है और अंगारक योग की यहाँ पर प्रबलता बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए अभी आने वाले 17 से 19 तारीख तक का जो समय है ये काफी ज्यादा क्रिटिकल है, काफी ज्यादा मुश्किल है और बहुत संभल कर चलने वाला समय है। इसके बाद बाकी का जो समय रहेगा वो धीरे धीरे अच्छा होगा, बट अभी पूरी तरह से अच्छा होने में समय को काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। 15 जनवरी के पहले पहले का जो समय है वो थोड़ा टफ टाइम ही कहलाएगा यहाँ पर, और मंगल जब तक अंगारक योग को नहीं छोड़ देते तब तक यहाँ पर चीज़ें इसी तरह से बनेंगी। अभी तो ये जो योग चल रहा है, अभी जो योग चल रहा है ये छोटी आग का योग है। लाइक जैसे जब आप आग लगाते हैं तो इनिशियली जो आग लगती है जो बहुत छोटी होती है वो धीरे धीरे सुलगती है, वैसे ही यहाँ पर मंगल अपने अंगारक योग को धीरे धीरे सुलगाने की कोशिश करेंगे और जब केतु के साथ क्लोज कंजेक्शन बनेगा तब यहाँ पर ये योग और ज़्यादा प्रबल बनता जाएगा और वहाँ से लेके कम से कम 15 से 17 डिग्री तक के बीच का जो मंगल रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा। और अपने घर में बैठा मंगल तो इसीलिए प्रभावकारी तो वो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रभावकारी बनने की। और केतु का बैड इफेक्ट जो है वो अप्रैल तक यहीं पर रहने वाला है, तो जब तक मंगल यहाँ से ट्रांजिट नहीं कर जाते तब तक तो ये हादसे कहीं ना कहीं बरकरार रहेंगे। तब तक आप सभी को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम सभी को कहाँ ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है? पहला, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए, पैनिक होंगे, टेंशन लेंगे तो हार्ट अटैक के केसेस अपने आप बढ़ेंगे, ये एक नॉर्मल सी बात है, तो इसलिए आपको इस बात को समझना होगा। दूसरा, ट्रैवल करते समय बहुत संभल कर ट्रैवल करना है और अगर ज़रूरत है तो ही ट्रैवल करना है, अननेसेसरी ट्रैवल को आपको पूरी तरह से भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, यहाँ पर फायर से दूर रहिए, जितना हो सके फायर से दूर रहिए। घर पर नॉर्मल खाना बनाते हैं, गैस को चेक करिए, बंद और चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर बंद किया है आपने या नहीं किया है। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि समय यहाँ पर चल रहा है और आम जनता के लिए समय इसी तरह से कहीं ना कहीं खराब होता जाएगा, तो इसीलिए हम सभी को सचेत रहना है और सतर्क रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। हार्ट अटैक से हमें बचना है, फायर से हमें बचना है, ट्रैवल हमें बहुत सावधानी से यहाँ पर करने की ज़रूरत है। अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो और कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं रहेगी। मरकरी का ट्रांजिट यहाँ पर हो चुका है, बुध भी अपना काम कर चुका है, बहुत जल्दी सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे और सूर्य भाग्यस्थान में आ जाएंगे। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ मंगल और केतु ही बचेंगे, बट तब तक मंगल की पावर काफ़ी हद तक दूर जा चुकी होगी केतु से और वहाँ पर हमें नेगेटिव चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये जो भी समय है, मुश्किल से 10-15 दिन का जो समय है, ये निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये निकल जाएगा तो फिर चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। अगेन कहूँगा, कोरोना के केसेस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभी। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट अफेक्ट फ्रॉम द कोरोना और टू गेट अफ्रेट फ्रॉम द कोरोना ऑल्सो। कोरोना के ऊपर आपको अगला वीडियो मिल जाएगा कल सुबह, उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी कि आपको कहां पर कोरोना से डरने की और परेशान होने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।